बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत के साथ साथ जिले के तमाम वरीय अधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे मामले पर पूछे जाने पर जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा करीब 2 घंटे से अधिक तक छापेमारी की गई। इस दौरान सभी वार्डों की सघन तलाशी ली है। छापेमारी में किसी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। वह मेरे और एसएसपी के नेतृत्व में जेल में केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई है और ये एक निरंतर चलने वाली इंस्पेक्शन प्रक्रिया है, जिसमें लगातार बीच बीच में हम लोग रैंडम तरीके पर बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी कराई जाती है और जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों की सघन छापेमारी की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक ये छापेमारी सुनिश्चित कराई गई है। कोई विशेष आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुआ है और जो चीज़ें हैं हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि जेल में शांति सुरक्षा बहाल रहे।